बांदा महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने टैबलेट वितरण में धांधली को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। बता दें पूरा मामला बांदा जनपद का है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छात्राओं को वितरित किए जा रहे टैबलेट वितरण में छात्राओं ने कॉलेज के प्रधानाचार्य के ऊपर आरोप लगाया। महिला डिग्री कॉलेज की बालिकाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर टैबलेट वितरण में अनियमितता के आरोप लगाते हुए बताया कि हम सभी छात्राएं राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की एमए फाइनल तथा बीए फाइनल की छात्राएं हैं। पीपीसीएम डीएस योजना के अंतर्गत छात्राओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिया जाना है। छात्राओं के मुताबिक सभी के नाम उक्त लिस्ट में आ गए हैं। टैबलेट वितरण में कॉलेज की तरफ से कुछ लड़कियों के नाम दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए बालिकाओं ने कहा कि जो प्रिंसिपल की जान पहचान के हैं उन्हें इस सूची में शामिल किया जा रहा है तथा जब हम छात्राएं उनसे टैबलेट प्राप्त करने के लिए कहते हैं तो कहा जा रहा है तुम लोगों का नाम लिस्ट में नहीं, जबकि पूरी छात्राओं की सूची कॉलेज में ही बनाई गई है। हाँ। और हमारी समस्या यही है कि जो योजना निकली थी टैबलेट और स्मार्टफोन की, तो हम लोगों ने फॉर्म भरे थे, हमारे पास मैसेज भी आया था, लेकिन जिन लड़कियों ने फॉर्म भरा नहीं है उनका तक नाम है, हम लोगों ने फॉर्म भरा, हमारा नाम कहीं भी नहीं है। और हम लोगों और मैम ने ये कहा कल कि ज़्यादा बोलोगे तो हम कॉलेज से रस्टी कर देंगे, नाम कार्ड देंगे। ऐसा कौन मैडम कह रही थी? ठीक, बात छात्राएं आई हैं, उन्हें उनका आरोप है कि स्मार्टफोन टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं दिया जा रहा, आपको उन्होंने प्राथमिकता दिया है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की कुछ छात्राएं आई हुई थी, उनके द्वारा यह शिकायत की गई है, उन्हें लैपटॉप और टैबलेट के वितरण सूची में उनका नाम नहीं है। प्रकरण को जाँच कर कार्रवाई करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भित किया गया है और जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की गई है, वो उसकी जांच करके नियमानुसार यदि उन्हें दे होगा तो उसे दिलाएंगे। नहीं, मैसेज तो उनके मोबाइल में आया है सभी छात्र जो भी हो, क्योंकि मेरे पास जो है अभी दूसरे पक्ष का कोई कथन नहीं है, जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भित प्रकरण की जाँच हेतु निर्देशित किया गया है, जाँच करके वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बांदा जिला संवाददाता R9 भारत से शिवलाल शर्मा की रिपोर्ट।